छात्रों में विशेष रूप से संकल्प से सिद्धि भारत मंथन न्यू इंडिया संकल्प से सिद्धि इसे कार्यक्रम उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित वैज्ञानिकगण, प्राध्यापकगण, कार्यक्रम में हम उस इतिहास का स्मरण कर रहे हैं, उस अगस्त क्रांति को, सन 1942 के उस आंदोलन को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किसान उन्नत नहीं होगा, किसान स्वलंबन नहीं होगा तब तक यह देश उन्नत नहीं हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी संकल्पित होकर अपनी संस्थान के माध्यम से हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई है आज हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे आसपास के हमारे किसान भाई बहन, हमारे इस विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकगण, वैज्ञानिकगण, हमारे विश्वविद्यालय स्तर के सभी छात्र छात्राएं, सभी सेक्टर्स के निश्चित रूप से हम सभी के प्रयास से, हम सभी के संकल्प से एक सिद्धि के रूप में उसकी परिणाम दिखलाई पड़ेगी और एक उन्नत भारत के रूप में हमारा भारत का एक पहचान बनेगा। आज जब हम उस इतिहास को जब हम याद करते हैं और विशेष रूप से अपने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तरफ से आज 7 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रारंभ की है, जिसे 7 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम किसानों की आय को दोगुना करने का हम प्रमाणिक प्रयास करेंगे। और यह 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो है आप सभी के ध्यान में मैं आप सभी को जानकारी देता हूं कि हमारा यह 7 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा। पर्याप्त संसाधन के साथ सिंचाई की व्यवस्था, यानी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से आज उन्होंने एक संकल्प किया है, एक लक्ष्य तय किया है आने वाले समय पर कि हर खेत को पानी मिले और जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को इस योजना के माध्यम से कैसे किसान के खेत तक उस पानी को पहुंचाया जा सके, इस सिंचाई व्यवस्था के तहत आज यह प्रयास सरकार की तरफ से होगा।